यू आर इन दिल्ली एंड वॉन्ट टू डेवलप योर प्लॉट और कंस्ट्रक्ट अ प्लॉट, आप दिल्ली में हैं और आप अपना प्लॉट की कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये वीडियो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाय, आई एम शशांक जैन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल वुडोफा। सो वी आर आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिजाइनर्स हु हेल्प यू डिजाइन एंड एग्जीक्यूट योर कंप्लीट प्लॉट। तो जैसा आपका एक सिंगल प्लॉट है उसे आप हमें दे दीजिए चाबी प्लॉट की और हमसे चाबी ले लीजिए पूरे घर की, तो वी टेक केयर द एंटायर वर्क फॉर डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन फॉर यू। आज मैं इस वीडियो में आपको दिल्ली के बायलॉज के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको ये चार पांच छह चीजें जरूर ध्यान रखनी है बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग योर हाउस। अगर आप घर बनाने की सोच रहे हैं तो आपको पाँच छः सात चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए और आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिंग इवन टॉकिंग टू योर आर्किटेक्ट। आपका आर्किटेक्ट ही आपको नक्शा पास कराएगा, बट आपको पता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट द बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन है, वो जरूर क्लिक कर दीजिएगा। बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा आपको घर के बारे में। आइए देखते हैं क्या है। आई एम श्योर आप में से किसी ने भी 100 पेज की दिल्ली बायलॉज की लिस्ट नहीं पढ़ी होगी। एक बहुत बड़ी PDF है जिसमें अथॉरिटी ने बहुत डिटेल में बताया है डिफरेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में। मैं यहाँ पर पूरे 100 पेजेस के बारे में बात नहीं करूंगा। आई विल गिव यू क्विक अपडेट फॉर नेक्स्ट 2-5 मिनट्स जिसमें आपको एक बेसिक टर्मिनोलॉजी और एक बेसिक बायलॉज पता लग जाएंगे। आइए देखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं। पहला, सबसे पहला आपको पता होना चाहिए इज द FAR, कि आपका FAR कितना है। FAR का मतलब क्या है? ग्राउंड कवरेज क्या है? ग्राउंड कवरेज का मतलब क्या है? FAR इज फ्लोर एरिया रेशियो। इसका मतलब होता है जो आपका प्लॉट का एरिया है उसको मल्टीप्लाई करिए FAR से और डिवाइड करिए 100 से, तो आपको ये बता देगा कि टोटल स्क्वायर फीट एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन आप कितना कर सकते हैं उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दिल्ली में। दिल्ली भी चार जोन्स में डिवाइडेड है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इसी तरीके से इसकी चार डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं जो नक्शा पास करती हैं। मोरदलेस इसके लॉज बायलॉज सेम हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि आपका FAR क्या है। इस टेबल में मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आपको ये पता लग जाएगा अगर आपका 100 मीटर से कम का प्लॉट है तो क्या FAR हो, 200 मीटर से कम का प्लॉट है तो क्या FAR हो, 300 मीटर से कम का प्लॉट है तो क्या FAR हो। उसके बेसिस पे आपको टोटल कवर्ड एरिया मिल जाएगा। FAR के साथ साथ ग्राउंड कवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कितना परसेंटेज ग्राउंड कवरेज मिल रहा है। दिल्ली में जनरली ये 75% है स्टैंडर्ड, तो 75% में मतलब आपका टोटल स्क्वायर फीट एरिया जितना भी निकला उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 75% से, तो आपका टोटल ग्राउंड कवरेज मिल जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना बिफोर इवन थिंकिंग ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द हाउस, आपको पता लग जाएगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। एक बेसिक तरीके से बात करूं तो ग्राउंड कवरेज जैसा कि नाम सजेस्ट करता है कि आप ग्राउंड पे कितना एरिया कवर कर सकते हो या प्लॉट पे कितना एरिया कवर कर सकते हो उसके बारे में बात करता है। सो एज पर द मास्टर प्लान 2021 दिल्ली में, आप ये टेबल देख रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको डिफरेंट ड्वेलिंग यूनिट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो ड्वेलिंग यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि एक ड्वेलिंग यूनिट मीन्स वन किचन। सो जैसा आप देख रहे हैं कि अगर 32 मीटर से कम का प्लॉट हो साइज में तो आप 90% ग्राउंड कवरेज कर सकते हो। FAR 350 का मिलेगा पर नंबर ऑफ ड्वेलिंग यूनिट्स तीन मिलेंगे, मतलब आप तीन किचन ही पास करना अलाउड है वहाँ पर, क्योंकि छोटा प्लॉट है तो उससे ज़्यादा आप ड्वेलिंग यूनिट्स नहीं बना सकते, ये एज पर डायरेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट है। सिमिलरली आप देख सकते हैं अगर 100 से 250 मीटर का प्लॉट है जो कि कॉमन प्लॉट साइज़ है दिल्ली के अंदर, जनरली जितने भी हमारे दिल्ली के एरियाज़ हैं कॉमन एरियाज़ में ये प्लॉट साइज़ मिलते हैं, इसके अंदर 75% आपको कवरेज अलाउड है, 300 का FAR है और चार ड्वेलिंग यूनिट बना सकते हो। यहाँ पर आप स्ट्रीट पार्किंग भी बना सकते हो, उसके ऊपर चार फ्लोर्स बना सकते हो। जैसे कि आप देखते हैं कि आज दिल्ली में आपके घर के आजू बाजू ये बहुत कॉमन है कि एक नीचे स्ट्रीट पार्किंग लोग बनाते हैं, ऊपर चार फ्लोर्स बना लेते हैं, तो अपर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, वो इसी बायलॉ के मुताबिक बनाया जाता है। और चार ड्वेलिंग यूनिट्स इज द मैक्सिमम विच इज़ परमिटेड। अगर आपका प्लॉट साइज बड़ा है, मे बी 250 से 750 मीटर के बीच में है या और भी उससे बड़ा है, तो आप टेबल में देख सकते हैं कि ड्वेलिंग यूनिट भी बढ़ जाते हैं, तो आप उसमें 5 या 6 ड्वेलिंग यूनिट बना सकते हैं एंड FAR आपका थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि प्लॉट साइज बढ़ गया, तो FAR चाहती है गवर्नमेंट थोड़ा कम हो जाए, थोड़ा आपको एरिया खुला खुला ज्यादा मिल जाए। दिल्ली में सेटबैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
सो जैसा कि कॉमन अगर मैं आपको बात करूं बेसिक लैंग्वेज में, तो अगर आपका 100 से 250 मीटर के बीच का प्लॉट है तो आपको फ्रंट और रियर सेटबैक नहीं छोड़ना है, क्योंकि आप पूरा ग्राउंड कवरेज कर सकते हो आगे से लेके पीछे तक, परंतु बालकनी के स्पेसेस को छोड़ना होगा। तो अभी उसके बारे में बात करेंगे कि अपर ग्राउंड फ्लोर पे बालकनी 7 फीट तक हो सकती है। अपर ग्राउंड फ्लोर होता है स्टिल्ट पार्किंग से ऊपर वाला, उस पर 7 फीट तक की बालकनी अलाउड है और उसके ऊपर 4-4 फीट की बालकनीज अलाउड है। तो इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं बनाना चाहिए, ये जनरल स्टैंडर्ड है। डिपेंडिंग अपॉन योर प्लान आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं। जैसा कि आप इसको टेबल में देख पा रहे हैं, मैंने टेबल बनाई है आप लोगों के लिए। 250 से 500 मीटर का प्लॉट साइज है तो 3 मीटर इज द फ्रंट, 3 मीटर इज द रियर एंड 3 मीटर इज द साइड, ये सेटबैक आपको छोड़ना होगा। मतलब अगर आपका प्लॉट साइज 600 गज, 700 गज, 800 गज है तो ये मैंडेटरी है, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप इसकी प्लॉट की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं एंड अथॉरिटी आपको अप्रूव करेगी। सो दिल्ली में हाइट एग्जेम्पशंस बहुत क्रिटिकल हैं। 15 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग अलाउड नहीं है बनानी, आपको ये मैक्सिमम हाइट है जो मिलती है और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है गवर्नमेंट एंड BSES भी। अगर आप 15 मीटर से ऊपर की हाइट की बिल्डिंग बना देंगे तो BSES वाले आपको मीटर भी नहीं लगा के देंगे। सो दैट मींस ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको ध्यान रखना है कि आपकी बिल्डिंग की हाइट 15 मीटर या उससे कम रहे, 1 इंच भी उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपको इलेक्ट्रिकल मीटर्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। इसके अंदर कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ये बहुत डिटेल्ड है, इसके बारे में अभी मैं नहीं बताना चाहता क्योंकि बहुत डिटेल्ड एनालिसिस है रूफ टैंक के लिए या ममटी की हाइट के लिए या कुछ कुछ एग्जेम्पशंस हैं। फॉर एग्जांपल चिमनी एंड पैरापिट वॉल्स के लिए, स्क्रीन वॉल्स के लिए, सोलर पैनल्स के लिए और टॉयलेट्स ऑन द टेरेस के लिए। तो आप ये सब चीज़ें डिटेल में हमसे समझ सकते हैं अगर आप अपना नक्शा पास कराना चाहते हैं और हमसे आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर्स पूरा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं एंड वन ऑफ आवर टीम मेंबर विल डेफिनेटली हेल्प यू इन डूइंग। अभी तक मैंने सारी बेसिक्स बातें कर ली दिल्ली के बायलॉज के बारे में। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं दिल्ली में तो लिफ्ट भी दो तरीके से यूज़ की जा सकती है, या तो मशीन रूम बना लीजिए या मशीन रूम लेस कर दीजिए। मतलब या तो मशीन रूम अलग से डाल दीजिए लिफ्ट के ऊपर या बिना मशीन रूम के भी लिफ्ट बना सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका बजट क्या है और आपको टेरेस पे कितना बड़ा एरिया छोड़ना है। तो वो डिटेल भी आपको आपका आर्किटेक्ट समझा सकता है और डिटेल में डिस्कस कर सकता है। बायलॉज में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है स्टेयरकेस को लेके, ये भी बहुत ध्यान रखना है। स्टेयरकेस में लाइट ज़रूर होनी चाहिए और स्टेयरकेस के अपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस हैं। जनरली लोग इसको बहुत अवॉइड करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ स्टेयरकेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द डिज़ाइन ऑफ द हाउस। इससे डिज़ाइन तो अच्छा और ख़राब बनता ही बनता है और अथॉरिटी के भी कुछ कुछ चैलेंजेस हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्टेयरकेस जब आप डिज़ाइन करवा रहे हैं या बना रहे हैं तो अपने आर्किटेक्ट को बोलिए या अपने डिज़ाइनर को बोलिए उसका ज़्यादा ध्यान रखिए, आपको लाइटिंग अच्छी खासी मिले और आपको एरिया को यूज़ करने के बारे में ज़रूर ध्यान रखना है कि कम से कम जगह वेस्ट भी हो, पर एक मिनिमम मैंडेट रिक्वायरमेंट होती है स्टेयरकेस की, वो ज़रूर होनी चाहिए पूरी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको ये दिल्ली के बायलॉज के बारे में और ज़्यादा डिटेल समझना है तो प्लीज़ कॉल अस, हम आपको समझा देंगे। अगर आपके पास प्लॉट है और आप अपना प्लॉट डिज़ाइन कराना चाहते हैं आर्किटेक्चुअली एंड इंटीरियर्स वाइज, प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, हमारे नंबर्स इस वीडियो में हैं, तो वन ऑफ आर टीम मेंबर विल हेल्प यू। सो आई एम अगेन टेलिंग यू, आई एम नॉट एन आर्किटेक्ट, वी आर अ ग्रुप ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंटीरियर डिज़ाइनर्स इन हाउस। हमारी टीम में लोग हैं जो आपका नक्शा पास करा सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं आर्किटेक्चुअली एंड इंटीरियर्स वाइज, पर वी आर अ फुल डिज़ाइन कंपनी एंड वी हेल्प यू इन टोटैलिटी। तो हम पूरी पूरी हेल्प करेंगे आपको डिज़ाइन बनाने में और एग्जीक्यूट करने में। तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस व्हेनेवर यू वांट। Thank you so much.